नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को लाभ हानि स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों लाभ हानि का बहुत बेसिक क्लास है आज दोस्तों, बिल्कुल एक दो छोटिया बढ़िया से चालू करने वाला हूं दोस्तों। और दोस्तों एक बात बता दूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग 2 मिनट बस इस वीडियो को देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि कितना खास वीडियो था। चलिए दोस्तों मैं यहां पर लिखा हूं, देखिए लाभ प्रतिशत लाभ होता है हानि और खर्च पर आधारित। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे लाभ, इसके बाद हानि, फिर खर्च पर आधारित क्वेश्चन जो आता है। तो देखिए यहां पर मैं एक उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक कार खरीदता है, ठीक है, कितने में खरीदता है, 50,000 में खरीद लेता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 50,000 में खरीदता है, ठीक है। उस कार को वह व्यक्ति वह 60,000 में मान लीजिए बेच देता है, ठीक है, 60,000 में बेच देता है। तो इसको तो कोई भी व्यक्ति बता देगा कि सर 50,000 में खरीदा और 60,000 में बेच दिया, मतलब उसको 10,000 का लाभ हो गया, ठीक, उसको कितना हो गया, 10,000 का लाभ हो गया, ठीक है, 10,000 का लाभ हो गया। लेकिन अगर इसमें पूछे कि लाभ जो हुआ है उसको प्रतिशत में बताइए, अब इतना सरल क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने वाला है नहीं, ठीक है। अगर इसको बोले कि लाभ प्रतिशत निकाल के बताइए कि कितना प्रतिशत का उसको लाभ हुआ, तो दोस्तों इस परिस्थिति में हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ प्रतिशत निकाला जाता है। वो चाहे लाभ हुआ हो चाहे हानि हुआ हो, लेकिन हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, ठीक है। मैं क्या बोला, ये क्रय मूल्य है, क्योंकि वो खरीदा था कितना, 50,000 में और बेच दिया था 60,000 में, मतलब कि उसको 10,000 का लाभ हुआ, ठीक है। तो देखिए हमेशा क्या मैं बोला कि क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे क्रय मूल्य को सबसे पहले, ठीक है। क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है 10,000, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है 10,000, ठीक है, यही ना क्वेश्चन आगे बन गया, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है 10,000, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बोला कि क्रय मूल्य मतलब 50,000 का मतलब हमेशा बताता हूं, इस का मतलब क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। 50,000 का कितना बोल रहा है, तो कितना का मतलब एक्स हो जाता है। प्रतिशत आ गया तो प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, और है मतलब कितना 10,000 बराबर के उस पार रहेगा, ये बराबर है, बराबर के उस पार 10,000 रहेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये जीरो से ये जीरो कट गया और यहाँ पे हम लोग का आ गया, इधर लिखता हूँ 500 आ गया, ठीक है, 500, फिर एक्स आ गया 500x, इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा, बट्टे में कुछ नहीं है, पूरा कट गया है तो एक बचा है, ठीक है। इधर क्या है 10,000, ये हो गया 10,000, बट्टा में कुछ नहीं है तो एक लिख देंगे, ठीक। देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे तिरय गुणा होगा, मतलब इस संख्या का इससे गुणा होगा, इस संख्या का इससे गुणा होगा, तो इससे और इससे गुणा हो रहा है तो हम लोग आमने सामने काट सकते हैं, ठीक है, काट दिया, 5 एकम 5 और यहाँ पे 100 बचा है तो 20 बार में कट जाएगा, 5 का पहाड़ा 100 20 बार पढ़िएगा तो 100 आ जाता है, ठीक। इधर क्या बचा है, x बचा है और यहाँ पे 20 बचा है, मतलब इसका 20% का लाभ हो रहा है, 10,000 का लाभ हो रहा है, मतलब कि 50,000 का कितना प्रतिशत है 10,000, तो 50,000 का मतलब क्रय मूल्य का 20% है 10,000, ठीक है। प्रतिशत ऐसे निकाला जाता है, हमेशा एक चीज बस याद रखिएगा कि क्रय मूल्य पर ही प्रतिशत निकाला जाता है, चाहे वो लाभ हो चाहे हानि हो। चलिए देखते हैं हम लोग हानि वाला मामला, अगर किसी चीज में हानि हो जाए तो उसको कैसे निकालेंगे, कितना आया है 20% का लाभ हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग, यहां पर मैं लिखा हूं, अब अगला कोई कार खरीदता है, ठीक है, एक कार खरीदता है कितना 9,000 में, मान लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 9,000 में, अब उसको बेच देता है, उस कार को व्यक्ति बेच देता है 7,200 रुपए में,
ठीक है 7,200 रुपये, 9 रुपये में खरीदा है, 9,000 में खरीदा है, 7,200 रुपये में बेच देता है, तो कितना का हानि हो रहा है ना यहाँ पे, 9,000 माइनस कर देंगे 7,200 तो कितना हो जाएगा हम लोग का 18 को हानि हो रहा है इसमें। ठीक है, तो मैं क्या बोला इसको तो कोई भी बता देगा माइनस करके कि सर 18 का उसको हानि हो रहा है, लेकिन अगर इसको क्वेश्चन में घुमा के बोले कि प्रतिशत में बताइए कि कितना हानि हो रहा है, तो हमेशा ये क्या है क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है और ये क्या है विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है प्रतिशत, क्रय मूल्य पर प्रतिशत निकाला जाता है, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो। ठीक है, देखिए मैं कितना है हम लोग का क्रय मूल्य, तो हम लोग का है 9,000 क्रय मूल्य, 9,000 का कितना प्रतिशत मतलब 100 जैसे यहाँ पे लिखा था, प्रतिशत मतलब 100 अठारह सौ 9,000 का मतलब क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है 1800, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है 1800 बताना है, जब प्रतिशत में निकालना रहेगा तब। देखिए ए जीरो से ए जीरो, दो जीरो कट गया, इस जीरो से ए जीरो कट गया, 9 कम 9 और 9 दुना 18 हो गया मतलब 20, बराबर क्या हो गया 20%, 20% का इसको हानि हुआ इस सौदे में इसको। ठीक है, अगर हानि केवल पूछता तो कितना हो गया 1800 का हानि हुआ, लेकिन अगर प्रतिशत में बताना रहेगा तो कितने का हो जाएगा 20% का हानि हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ूं, देखिए अगला में मैं बोला था कि खर्च पर आधारित, इसको मिटा देता हूं यहां से, अगला मैं बोला था कि ये 20% का हानि हुआ है। ठीक है, खर्च पर आधारित, मान लीजिए कि एक घड़ी कोई व्यक्ति खरीदता है, ठीक है घड़ी कोई व्यक्ति खरीदता है, वो खरीदता है 600 में, ठीक है, और उसमें वह एक फीता को, एक ठो फीता को लगवा देता है 200 रुपये का फीता लगवाया, और इसका कांच भी टूट गया था तो एक ठो कांच भी लगवा दिया फिर से 200 रुपये का, लेकिन क्रय कितना किया था 600 रुपये में, 200 रुपये का फीता लगवाया और 200 रुपये का कांच लगवा दिया, मतलब टोटल कितना होगा 6, 7, 8, 9, 10 मतलब कि 1,000 हो गया। ठीक है, 1,000 उसका क्या होगा क्रय मूल्य हो गया, और उसको कितना बेच देता है, मान लीजिए उसको 900 में बेच देता है तो इस स्थिति में कितना 100 रुपये का उसको हानि होगा। ठीक है, मतलब ये 200 बाद में जो खर्च किया है फीता और कांच लगवाने में उसको भी जोड़ा जाता है इस स्थिति में। ठीक है, इसको जोड़कर ही हम लोग इसका लाभ या हानि निकालेंगे, तो 100 रुपये का उसको क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो पिछले वाले में मैं बताया कि हमेशा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,000 का कितना प्रतिशत बराबर 100 रुपये है, 1,000 का कितना प्रतिशत बराबर 100 रुपये है। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, मतलब एक्स बराबर कितना आ जाएगा 10%, 10% का उसको क्या हो रहा है हानि हो रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग को बताना पड़ेगा कि 10% का हानि हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और खर्च पर आधारित क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से बन जाएगा। अगले वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट इस लाभ हानि का कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो आप लोग से लाभ हानि से बनने वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।